आपको नजरबंद किया गया है, क्या वजह है और किस लिए आपको रोकना? नहीं, कल का रीज़न तो समझ में आ रहा था कि हमारी एक कॉल थी कालिदास मार्ग पे जाकर के थाली थाली बजाने का, वो टाइम भी निकल गया। ये परसों रात 11:30 बजे से यहाँ पर हैं और कल इन्होंने 8 बजे वापस चले गए थे, लेकिन आज जब सुबह सोकर के उठे तो फिर वापस आ गए। और अब ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 दिन के लिए आपको वापस हाउस अरेस्ट किया गया। तो मेरा ये मुतालबा है और ये सवाल भी है उनसे कि मुतालबा ये है कि इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हैं आप, और हम लोगों को एक महिला होने के नाते कम से कम आप ये तो एहसास मत दिलाइए कि हम कोई क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं या क्या हैं। और सवाल ये है कि क्या बेटियों के साथ ये इंसाफ कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? और सबसे बड़ा सवाल जो आज निकल करके आया है पिछले 3 दिन का जो सिनेरियो है उससे, कि सिर्फ सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार नहीं, बीजेपी तो क्रूर है हम उसको मान के चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष से कोई ऐसा नहीं था जो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाता, विपक्ष के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो आकर के खड़ा होता हमारे साथ कि आप ये देश और प्रदेश की बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम अपने संवैधानिक जो हमें अधिकार मिला हुआ है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, चाहे ये जेल भेज दें हमको और चाहे उसके बाद फांसी पे चढ़ा क्या दें। आपको हाउस अरेस्ट के लिए कोई नोटिस भेजा गया है या जबानी का? नहीं, कल तो नोटिस जारी किया था इन्होंने, एक नोटिस हजरतगंज थाने की तरफ से था और एक कैसरबाग कोतवाली की तरफ से था, लेकिन आज इन्होंने कोई नोटिस हमें बाकायदा नहीं दिया है, लेकिन ये कहा है कि आपको 2 दिन, अगले 2-3 दिन के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है और आप हमारा सहयोग करें। हमने कहा ठीक है, हमारी मजबूरी है।